इस मोबाइल के सामने ला के रोकूँगा इस बाइक को, और अगर ये बाइक रुक जाती है तो ठीक है, वरना मेरा मोबाइल गया और ये मेरे पास एक इकलौता ही है, मेरे पास दूसरे लेने के भी पैसे भी नहीं है, तो भाई यही सब कुछ है मेरे लिए। लेकिन मुझे इसके बाइक पे वो इसके ब्रेक पर भरोसा है, बाइक इधर उधर तो ज़रा ड्रेस से मेरा बच गया। अगर इसको कंपेयर किया जाए होंडा सिटी मल्टीप्लाई से तो पिकअप तकरीबन बराबर है, लेकिन साउंड इसकी कम है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। साउंड इसकी बहुत ही कम है, और होंडा वाले प्राइस तो बढ़ाते हैं लेकिन फीचर्स नहीं बढ़ाते। हाँ तो भाई आ जाते हैं इस बाइक के रिव्यू पे। तो सबसे पहले तो मैं इसकी बात करूँगा इसके पेट्रोल फ्यूल एवरेज की। जितनी मैंने चलाई है ना उसके मुताबिक ये 40 किलोमीटर एक लीटर पे दे रही है। अच्छा, इस वक्त मैं जिस जगह पे चला रहा हूँ हवा बिल्कुल ही अपोजिट है, और इसकी वजह से एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ हुआ है और स्पीड इसकी मैक्सिमम पे नहीं पहुँच पा रही, लेकिन अपना मैक्सिमम स्पीड भी दिखाऊँगा इसकी। और सबसे अच्छी चीज़ जो बाइक की लगी वो इसकी सस्पेंशन है। ये बाइक बहुत ज़्यादा ही स्मूथ है, अगर इसके मुकाबले में जो दूसरी बाइक से उनसे कंपेयर करा जाए तो, मतलब मैं अगर गड्ढों से गुजारूँ तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। तो अब ज़रा इसको चेक करते हैं ये 0 to 80 कितनी देर में जाती है। अब टाइम है इसकी मैक्सिमम स्पीड चेक करने का, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। सो वेयर योर सीट बेल्ट एंड एंजॉय। तो भाई आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में कुछ नए चैलेंज के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर अच्छी लगे तो, और लाइक वाइक जो करना है कर दें, और फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।